हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल डिजिटल मरीनर। एंड इन दिस वीडियो आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट अनदर एक ब्रिज इक्विपमेंट व्हिच इज़ द मरीन VHF रेडियो। नाउ वील बी डिस्कसिंग दिस इक्विपमेंट फ्रॉम द GP रेटिंग कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन स्ट्रेट अवे। VHF रेडियो। ना VHF स्टैंड्स फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, VHF स्टैंड्स फॉर वेरी हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो हियर, सो इट्स अ वेरी हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन शिप टू शिप और शिप टू शोर। ओके, so the purpose of this equipment is to communicate with ship to ship, yani ki ek ship se dusre ship se baat karne ke liye, ya fir ship se shore mein, kisi bhi shore ke office mein, let's say port control mein ya fir VTS hai, to unse communicate karne ke liye hum is equipment ko use karte hain, theek hai। so there can be many reasons why we are communicating with them। It could be with regard to navigation, it could be with regard to safety, it could be with regard to some distress or urgency messages which we have to send, or it could be some routine communications। ठीक है, कई बहुत सारे reasons हो सकते हैं कि हमें किसी और ship से या फिर port control से या VTS से हमें communicate करना पड़ता है। So for all that reason we will use the marine VHF radio। okay, now this VHF radio has got various frequencies। theek hai, isme kai sare channels hote hain, kai alag alag frequencies hain, aur sare frequencies ek alag alag channel ka number de rakha hai। theek hai, jaise hamare TV mein hota hai, to TV mein bhi kai sare channels hote hain, hai na, channel ke numbers hote hain, aur har channel ki apni alag ek frequency hoti hai। तो सिमिलरली यहाँ VHF में भी वी हैव डिफरेंट चैनल्स एंड एवरी चैनल हैज़ गॉट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। चैनल 16 ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैनल 16 है इट इज़ डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सेफ्टी एंड कॉलिंग फ्रीक्वेंसी। ये जो चैनल 16 है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 156.8 MHz। ठीक है, चैनल 16 की जो फ्रीक्वेंसी है 156.8 MHz। इस फ्रीक्वेंसी को आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं या चैनल का नंबर पूछा जाता है कि विच इज़ दी इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉलिंग फ्रीक्वेंसी या जो भी क्वेश्चन रहेगा, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है, सो चैनल 16 विच इज़ 156.8 MHz, इट इज़ द डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सेफ्टी एंड कॉलिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब कभी भी किसी भी शिप को कोई इमरजेंसी है, कोई डिस्ट्रेस है, या फिर सेफ्टी मैसेज कन्वे करना है, या फिर किसी और स्टेशन को कॉल करना है, तो हम चैनल 16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऑब्वियस है, यदि हम चैनल 16 में अपना कम्युनिकेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जो बाकी जो शिप्स हैं या बाकी जो स्टेशंस हैं उनको भी चैनल 16 मेंटेन करना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन कम्युनिकेट विद देम। सो बेसिकली चैनल 16 जो है, ये चैनल सारे शिप्स हमेशा उसको चैनल को मेंटेन करते हैं और उसमें कंटिन्यूस लिसनिंग वॉच करते हैं। इट इज़ रिक्वायरमेंट बाय द सोलास दैट एवरी वेसल शुड मेंटेन चैनल 16 एंड कीप अ लिसनिंग वॉच ऑन देम। ठीक है, तो यदि कोई भी शिप कभी डिस्ट्रेस में आता है तो वो चैनल 16 पे अपना मैसेज ट्रांसमिट करना चालू कर सकता है। ओके, नाउ
If we have to call any other ship for some routine communication or some navigation related communication, we can use this channel also. Lekin, once we have established contact, we must change the channel. ठीक है, हम चैनल 16 पे अपना रूटीन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रेस चैनल है, डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन चैनल है. ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना चैनल चेंज करना पड़ेगा. एंड इन दैट चैनल वी कैन गो एंड टॉक वॉट एवर वी वॉन्ट टू टॉक, राइट? वी कैन कन्वे अवर यू नो मैसेज. ठीक है, बट चैनल 16 सिर्फ हम कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं. जैसे मान लीजिए मेरा शिप है एंड जैसे दिस माई शिप, ship A, and there's another ship which is ship B coming on my starboard side, on my starboard bow. Now for some reason I want to communicate with this ship B. मुझे ship B से communicate करना है और I want to know what is his intention, let's say. So what I can do is I can call ship B on VHF. Once the ship B responds to my call, I will ask him to come to another channel. मैं उसे कहूँगा भाई come to another channel. Let's say come to channel 67. ठीक है, मैं उसे कहूँगा channel 67 पे आ जाओ. ठीक है, so I will change my VHF channel to channel 67. तो ship B भी अपना channel change करेगा channel 67 पे, and then we will do whatever communication we have to do on a different channel. पर चैनल 16 पे हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज इट इज सिंपली अ डिस्ट्रेस कॉलिंग चैनल. ठीक है, तो उस पर हम इनिशियल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें अपना चैनल चेंज करके किसी और चैनल पे जा सकते हैं. चैनल चेंज करना, अगेन इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सी ऑन द फिगर. तो डिपेंडिंग अपॉन वॉट इक्विपमेंट यू हैव ऑन बोर्ड, अलग अलग मॉडल के हो सकते हैं VHF. So you can see here there are numbers written 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. So you can simply type in, punch कर कीजिए कौन सा channel आपको करना है. तो let's say 6 7, तो मैंने 67 select किया और the VHF will go to that channel 67, and then I can communicate using this equipment with the other ship. Okay, so channel 16 इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. चैनल 16 इज़ फॉर इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सेफ्टी एंड कॉलिंग, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 156.8 MHz. ओके, आगे क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल वेसल्स इक्विप्ड विद VHF मस्ट मेंटेन कंटिन्यूस वॉच ऑन दिस फ्रीक्वेंसीज. ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट, ऑल रेडियोज रिक्वायर द यूज़र एंड द वेसल टू होल्ड relevant license. Okay, now any person who is operating the radio, okay, as per the SOLAS, any person who is operating the radio, whether it is VHF or whether it is let's say MFHF or any other radio equipments, he needs to have a license. Okay, only licensed people are permitted or legally permitted to use this equipment. Okay, so normally जब हम second mate का exam के लिए जाते हैं, तो one of the courses that we have to do is your GMDSS. ये GMDSS का कोर्स करना पड़ता है, and following this GMDSS course, we get the GOC certificate. GOC certificate is your general operator's license. तो basically एक license है radio communication का जो हमें मिलता है, एंड इट ऑथराइजेस अस एज अ रेडियो ऑपरेटर. तो नॉर्मली ये सर्टिफिकेट जो डेक ऑफिसर्स होते हैं, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर एंड ऑफ कोर्स कैप्टन, तो उनके पास में ये सर्टिफिकेट होता है. सो बेसिकली दे आर द वंस हु आर सर्टिफाइड टू ऑपरेट एनी रेडियो इक्विपमेंट. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर जैसे लिखा है, द वेसल शुड ऑल्सो हैव अ लाइसेंस. तो जहाज़ के पास में भी लाइसेंस होना चाहिए, रेडियो लाइसेंस होना चाहिए टू कैरी दोस रेडियो इक्विपमेंट. ओके, इट्स इलीगल इफ़ यू आर कैरिंग अ रेडियो इक्विपमेंट विद यू, अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव अ रेलेवेंट लाइसेंस फ्रॉम द फ्लैग स्टेट. ठीक है,
So you must have you should have the certificate to operate it, and your vessel should also have a certificate to carry the radio equipment. Now, since it's a VHF radio, very high frequency pe kaam karta hai ye radio, so it has got a range. ठीक, कई बार ये सवाल आता है कि इसका रेंज कितना है, कहाँ कितना दूर तक सुनाई देगा VHF में कॉल करते हैं, तो यूजुअली ये VHF फ्रीक्वेंसी में काम करता है, तो ऑब्वियसली इसका रेंज जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है. द रेंज इज़ समवेयर क्लोज टू 50 to 60 नॉटिकल माइल. ओके, द रेंज वेरीज अलॉट. अगेन, द रेंज भी जो होता है वो काफ़ी वेरी करता है, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये वेरी करता है. इट कैन बी द हाइट ऑफ द मास्ट. ठीक है, जितना हाइट रहेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर करेंगे, रेंज हमें उतना ज़्यादा रेंज मिलेगा. यदि एंटना का हाइट काफ़ी कम है तो हमारा रेंज भी कम रहेगा. ठीक, तो द रेंज डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द एंटना. द रेंज डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशंस. कई बार वेदर अच्छा है तो हमें कहीं ज़्यादा रेंज मिल सकता है, 80 to 90 नॉटिकल माइल्स का भी रेंज हमें मिल सकता है, या इट कैन बी मच मोर. पर यदि वेदर ख़राब है देन द रेंज कैन बी मच लेसर देन दैट, मे बी 40 to 50 माइल्स. ओके, सो बट इन जनरल यू कैन कंसिडर दैट द रेंज ऑफ द VHF रेडियो इज़ अबाउट 50 to 60 नॉटिकल माइल्स. सो जो भी शिप्स जो हैं हमारी विसिनिटी में 50 माइल के रेंज पे, उनको हम कम्युनिकेट या उनसे हम कम्युनिकेट करने के लिए इस इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं. नाउ इफ़ वी वांट टू कम्युनिकेट विद अ स्टेशन विच इज़ मच फार अवे, मोर देन 50 नॉटिकल माइल्स, इन दैट केस ये इक्विपमेंट काम नहीं आएगा. वी कैन ट्राई ऑफ कोर्स, बट ऑब्वियसली वो काम नहीं आएगा. In that case, we use other radio equipments such as MF and HF. ठीक है, MF and HF रेडियो हम यूज़ करते हैं, या फिर हम सीधा सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. ठीक है, सो VHF रेडियो इज़ ओनली फॉर द कम्युनिकेटिंग विथ अदर vessels विच आर इन द vicinity ऑफ द vessel within 50 to 60 नॉटिकल miles. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट VHF रेडियो. वेल, thank you very much for watching this video, and I'll see you in the next video. Goodbye.